हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी सुपर टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रिजाइल ऐप में आप व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बना सकते हो। अच्छे अच्छे टेम्पलेट है उसमें और आप उसमें अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हो। तो अच्छे अच्छे आप अपना स्टेटस बना सकते हो खुद के वॉलपेपर का और अपना सॉन्ग भी लगा सकते हो। तो प्लीज दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे बने रहे। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, रिजाइल ऐप में आपको बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसमें आप अपने फोटो को ऐड करके अपना स्टेटस बना सकते हो और अपना अपलोड भी कर सकते हो और अपना स्टेटस पे भी लगा सकते हो। तो कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको रिजाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या, आपको ओपन करना है। ओपन करने का दोस्तों इस तरह का आपका स्क्रीन होगा। तो आपको करना क्या, आपको बीच वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। ये देखो, यहाँ पे कैमरे का आइकॉन है, आपको कैमरे वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने का, दोस्तों यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो कैमरा ओपन होने के बाद आपको करना कि आपको यहाँ पे टेम्पलेट का आइकॉन दिख रहा होगा साइड में, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे टेम्पलेट है। तो आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखो, बहुत सारे ऐसे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसमें अपना स्टेटस खुद का बना सकते हो। यहाँ पे किसी भी वॉलपेपर को अपना ऐड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट है। तो आपको करना क्या, जैसे मैं एक यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट है, मैंने ओपन करा। तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे शेयर कर सकते हो या व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो अपना। उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, शेयर लिंक है। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, अगर आपने खुद का इसमें वो वॉलपेपर ऐड करना है तो आपको करना क्या है, अगर आपको इसमें अपना खुद का वॉलपेपर ऐड करना है और आप वीडियो बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे क्रिएट वीडियो दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो, नीचे आना, क्रिएट वीडियो पे आपको क्लिक करना है। तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो गैलरी से आपको कम से कम 15-20 फोटो आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं कम से कम 15-20 फोटो ऐड कर लेता हूँ। मैं अपने यहाँ पे फोटो ले लेता हूँ कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका, तो मैं यहाँ से कुछ फोटो अपने ऐड कर लेता हूँ गैलरी से फटाफट कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 15 फोटो ऐड कर लिया। उसके बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पे डन कर देना, आपको यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों ये देखो, यहाँ पे हमारा इस तरह का वीडियो बन के आ चुका है। अगर आपको कोई फोटो 19-20 है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो करना क्या, आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है ऊपर, आपको पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है। ये देखो, पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपना फोटो एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो इस तरह का, तो अपना फोटो एडजस्ट कर लेना है 19-20 जो भी है आपका। तो यहाँ पे आप अपने एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये है, तो इस तरह आप अपना एडजस्ट कर लेना फोटो जो भी है। उसके बाद सेलेक्ट कर देते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, आपको यहाँ पे ओके का आइकॉन दिख रहा है, तो आपको ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक कैसे ऐड होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक इस तरह का हमारा वीडियो बन चुका है। उसके बाद आपको करना है कि आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो आप कैसे यहाँ म्यूजिक ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे म्यूजिक का आइकॉन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे म्यूजिक का आइकॉन है, आपको म्यूजिक के आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे ऐड म्यूजिक है। ये देखो, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड मिल जाएगा, तो ऐड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो रिजाइल ऐप में जो सॉन्ग है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप किसी भी सॉन्ग को यहाँ से ले सकते हो, या यहाँ पे देखो रिमिक्स है, रैप है, जो भी आपको यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ से एक ये वाला सॉन्ग ले लेता हूँ। ये देखो, ये वो, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस सॉन्ग को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको करना क्या, आपको यहाँ पे वॉल्यूम है, ट्रैक वॉल्यूम, तो ट्रैक वॉल्यूम को आपको कम करना है या ज़्यादा करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो, ट्रैक वॉल्यूम पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप वॉल्यूम को ज़्यादा या कम कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, तो मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या, तो आपको सेव के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको म्यूजिक ऐड हो चुका है। तो उसके बाद आपको करना क्या, आपको इफेक्ट आइकॉन दिख रहा है, तो आपको इफेक्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट आ जाएंगे। तो आपको इफेक्ट कैसे लगाना है तो मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है। तो आपको करना है कि आपको इस पर टच करके रखना है 2 सेकंड के लिए। ये लोग ये सेकंड के लिए रखा, तो उसके बाद मेरा इफेक्ट लग गया। फिर आपको नेक्स्ट करना है, तो आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके ऐसे हल्का सा टच करके रख सकते हो। यहाँ पे ये देखो, तो इस तरह का आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको तो नीचे बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप किसी भी इफेक्ट को आप क्लिक करके अपने ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिला, तो आपको सेव कर देना है। ये आपका सेव हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर कोई टेक्स्ट आपको अगर लिखना है यहाँ इस पर, अगर कोई आपको टेक्स्ट लिखना है वीडियो पे, अपना नाम लिखना है या कुछ आपको शायरी वायरी लिखना है या कोई टेक्स्ट लिखना है अच्छा सा, तो आप यहाँ से डबल ए पे जाना है आपको यहाँ पे, और अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट है, यहाँ पे अपना टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देवराज, लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देवराज लिख दिया। उसके बाद इसको डन कर देते हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट आ चुका है यहाँ पे।
इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसको अपलोड करना है तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, ऊपर दोस्तों यहाँ पे टाइटल आपको लिख लेना है। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे हैशटैग लगा लेना है। हैशटैग लगाने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे उसके बाद आपको इस यहाँ पोस्ट का ऑप्शन है, तो आपको पोस्ट पे जाके इस पे पोस्ट कर देना है। तो आप इस तरह रिजाइल ऐप में अपना व्हाट्सअप स्टेटस बना के और पोस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।